कि हम जैसे मुगलानी दौर की उर्दू बोलते हैं, मुगल दौर की उर्दू बोलते हैं वालिदा, वैसे ही हमें मुगल खाने भी खाने चाहिए वालिदा, मुगल पान भी खाने चाहिए। मुगल पान से आपके दस्तरखान रास्ता किए जाए जी वालिदा। हर कोई इन्हें प्यार कर रहा है, हर तरफ से इन्हें प्यार मिल रहा है। इनके वीडियोस इंडिया में भी बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं अभी। तो आज हम देखने वाले हैं महज़ेदी का वीडियो अगेन, जो कि उर्दू फीवर उनको चढ़ा हुआ है, अभी तक उतरा नहीं है। टाइटल है उर्दू दान मेहरबान कदर दान उर्दू दोरा। तो देखते हैं अभी को महज़ेदी। वालिदा हाथ चलाओ, क्या है, उर्दू का दौरा पड़ गया होगा। वालिदा बात तो सुनिए, एक बात करना चाह रही हैं आप। क्या बात है, जल्दी करो, एक मूली भी नहीं कसी। वालिदा हम ये बात काफी दिनों से देख रहे हैं, कहें हम कह भी दें, इरशाद करें। वालिदा वो हम कह रहे थे कि आप हम बहुत ज्यादा ये देख रहे हैं कि आप कभी बड़ी अम्मी के बहाने, कभी हमारी सगी अम्मी के बहाने, और कभी बहाने 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 से हमसे मूलियां खसवा रहे। तो वालिदा अब वालिदा देखिए, रोज मूली के पराठे खा खा के, मूलियां कस कस के, वालिदा अब तो हमारे तन बदन में से मूली की बू आने लग गई है। वालिदा मूली की बू नहीं होती, खुशबू होती है। वालिदा आप छोड़ दीजिए वालिदा, अब तो हमें ये भू ही लगती है, इतने हमने मूलियां खा ली हैं वालिदा, अब तो हमें लगता है कि हम खुद ही मूली हैं। तो मैं किस दिन कसूं फिर? वालिदा हमारा ये बात कहने का मकसद बस इतना सा है कि देखिए, जब से हमारा ये बरकी पैगाम बहुत चला है, ये हमारा उर्दू दौरा लोगों ने बहुत वायरल हुई है जी वालिदा, तब से वालिदा हम अपने आप को शाही शाही सा महसूस करने लगे। शाही सा? अच्छा, उर्दू बोलने से तुम्हें ये फील होने लगा है कि तुम कोई शहजादी हो। वालिदा शहजादी, हमें लगता है कि हम शहजादी हैं वालिदा। अच्छा वालिदा, बस हम चाहते हैं। अब आपकी क्या ख्वाहिश है शहजादी साहिबा, आपकी किस तरह खिदमत की जाए, आपका क्या किया जाए अगर आप खुद को शहजादी महसूस कर रही है तो? वालिदा हम ये चाहते हैं कि जैसा कि हम शहजादी हैं, अनारकली नहीं 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 अनारकली तो कनीज थी वालिदा, हम तो मुमताज महल हैं। ओहो मुमताज महल है आप, तो आप मूलियां नहीं कसना चाहते? नहीं, हम वालिदा मूलियों के साथ साथ हम वालिदा ये एक बात देखी है आप कि हम जैसे मुगलानी दौर की उर्दू बोलते हैं, मुगल दौर की उर्दू बोलते हैं वालिदा, वैसे ही हमें मुगल खाने भी खाने चाहिए वालिदा, मुगल पान भी खाने चाहिए। मुगल पान से आपके दस्तरखान रास्ता किए जाए जी वालिदा, हमारे सामने मुगल खाने पड़े हों। ओहो मसलन? वालिदा मुगल खाने जैसे, वालिदा जैसे मुगलई बोंग पाए। आहा मुगलई बोंग पाए। और जैसे वालिदा मुगलई मुर्गी। आहा मुगलई मुर्गी रोस्ट। मुर्गई पाए, मुगलई पाए वालिदा, और हर खाने की चीज के साथ मुगलई लगा दे। मसलन चिकन मुगलई। वालिदा हो हमारे सामने मुगलई चिकन, भरे चिकन हुए मुगलई बैंगन, भरे हुए मुगलई करेले वालिदा, हमारे सामने एक ख्वान पड़ा हो जिसपे पूरे का पूरा बकरे के अंदर मुर्गी का कीमा हो, बकरे के अंदर मुर्गी का कीमा हो, और वालिदा किशमिशें बादाम और मेवे पड़े हो उसके अंदर भरे हुए हो कीमे के अंदर, वालिदा उस कीमे के अंदर पनीर हो, जब हम बकरा काटे तो वो पनीर इतना ऊपर आए, खींचा चला आए, खींचा चला आए वालिदा, बस भाई हमारी चीज तो ख्वाहिश है वालिदा, जुबान गिली हो गई, और ये इसलिए हम मूलियां नहीं कर सकते। वालिदा देखिए कब तक मैं मूलियां कसूंगी वालिदा? मेरी बात सुनिए, अनारकली, अनारकली आप? वालिदा अनारकली नहीं, अनारकली कनीज थी वालिदा, अनारकली ताजमहल। ताज महल, हाथ चलाओ इससे पहले कि तुम्हारा महल सजा दूं मैं। दो घंटे हो गए बाप भूखे बैठे हैं वालिद साहब इनके, और ये मुमताज महल बनी हुई है, जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी मूलियां कसो, ये डालो ना इसमें, खाली चलाई जा रही है बैठ के। चुप वालिदा, मूली कसो। देखिए ये अटक अटक के चल रहा है, ये हमारे हाथों में समा ही नहीं रहा, वो चलना ही नहीं चाह रहा वालिदा। आप इसे चलाना ही नहीं चाह रही हैं, आपके सवालात हमारी अकल में नहीं समा रहे। मूलियां कसिए, शाबाश मेरी मुमताज। तो मतलब हमें मुगलई
यानी आपस मुगलई उर्दू तक खुद को महफूज रखिए, मुगलई उर्दू तक खुद को महदूद रखिए, मखसूस वाले दम महदूद। चलिए शाबाश, मूलियां कसी भाई। मुगल के जमाने की उर्दू तो ये बोल रही है, लेकिन अब इनको उनके जमाने का खाना भी चाहिए। क्यूट बहुत है यार, बच्चे ना बहुत क्यूट लगते हैं, बात तो है। और जिस तरह से ये एक्ट करते हैं, लगता है रियल कॉन्वर्सेशन चल रहा है, पूरा रियल मदर है एक डॉटर का, रियल कॉन्वर्सेशन तो रियल, बट रियल नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, रियल है पर रियल नहीं है। मतलब उन्होंने एक डिसाइड किया होगा कि इस टॉपिक पे हमें बात करना करनी है, फिर वो बात करते होंगे, ऐसा नहीं कि वो स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे। हाँ, वो अपने जैसा मैटर है कि बस हाँ भाई रिएक्शन देना है, उस पर बात कर लेंगे हम तुरंत। हाँ, बस वो ऐसे ही है। और बहुत ज़बरदस्त करते हैं यार, ये उर्दू फीवर जो इनका चल रहा है, ट्रेंड में आ रहा है, ये बहुत ही कमाल है। और वो चीज़ ही ऐसी इन्होंने क्रिएट की है कि वो वायरल होना ही था, और लोग पसंद ही इतना कर रहे हैं उसको, डेफिनेटली वायरल वो होगा ही। और हमें भी बहुत पसंद आ रहा है, हमने इस लास्ट टाइम एक वीडियो देखा था जो है शायद इनका फर्स्ट वीडियो था उर्दू फीवर का, वो इतना ज़बरदस्त हमें लगा था, बहुत लोग छोटे छोटे से वो भी बना रहे हैं उस वीडियो के शॉर्ट्स भी, अगर हम देखें तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल यार, उर्दू का दौरा। साथ में इनकी मॉम की मैं तारीफ करना चाहूँगा, जिस तरह से वो हैंडल सवाल करती है, उनका हैंडल करती है, वो देख के मजा आता है। मतलब कितने स्वीटली वो उनके आंसर करती है। इस बार थोड़ा सा टोन उनका थोड़ा सा गुस्से में लगा, क्योंकि वो मुरली चिट भी मार दी थी। लेकिन लास्ट वीडियो में तो बहुत ही प्यार से, बहुत प्यार से। बाकी फिर भी प्यार से हमारे तो अम्मी चप्पल निकाल के मार देती। ज्यादा हो रहा है तेरा अब। भाई हम लड़के हैं ना, ये भी सही है। बट यार इतनी प्यारी बच्ची, मतलब बहुत क्यूट है यार, दोनों की जुगलबंदी है तो कमाल की है। No मैं तो बस यही कहूँगा, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और इनको ऐसे ही मुस्कुराते हुए रखे अल्लाह हमेशा, क्योंकि ऐसे मुस्कुराते हुए ये बहुत प्यारी लगती है, और इस तरह से बातें करते हुए स्पेशली उनकी बातें सुन के मज़ा आ जाता है। मतलब हैट्स ऑफ, हर कोई इन्हें प्यार कर रहा है, हर तरफ से इन्हें प्यार मिल रहा है। इनके वीडियोस इंडिया में भी बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं अभी फिलहाल में। अगर हम इनके खुद के वीडियोस पे जाके देखें तो इनके कमेंट बॉक्स इंडियन लोगों से भरे पड़े होंगे। हाँ, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम इंडिया लिखे होंगे, आई लव इंडिया करके बहुत सारे। तो आप बताओ आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन, अच्छा लगे तो करो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर। हानिया बेबी, हप हप, पकड़ 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 पकड़। अभी हानिया से मिलने का ब्लॉग बना रहे हैं, चलो। हानिया देखो खुश हो गई है पापा से मिल के ना। हानिया, हानिया को स्टेज बहुत पसंद आते हैं। तो गाइज ऊपर जो है हकीके का प्रोग्राम चल रहा है।